Allah, Allah, Allah Allahu, Allahu, Ya Rabbi, Allah Allahu, Ya Rabbi, Ya Allah, Allah, ya Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك صاحب كتاب الإمام المجدد शेख उम मोहम्मद अबिनबलवाहाब तमीमी रम्ह ने अपनी अजीम किताब किताब तौहीद को सूर जुमर की आयत नंबर सड़सठ पर ख़त्म किया है किताब का आखिरी बाब यही आयत है और इसी आयत को वनवान बनाया है जिसमें अल्लाह रबालमीन की अजमत और उसके उलू शान और उसकी कुदरत कामिला का बयान है हजरत अब्दुल्लह बिन मसूद रदी अल्लाह फरमाते हैं जा हबिन अहबार यहूद यहूद के आलिमों में से एक बड़ा आलिम आया नबी की खिदमत में और उसने कहा या मोहम्मद का जुमला है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम इन नजीदो हम लोग पाते हैं कहाँ यानी तोड़ैत में हर चंद के तो उन्होंने बदल दिया था बहुत से अहकाम बदल दिए थे बहुत सी आयतें बदल दी थी लेकिन ये हुक्म तोड़त में मौजूद था काम तो में पाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान को एक उंगली पर ज़मीन को एक उंगली पर पहाड़ को एक उंगली पर दरख्तों को एक उंगली पर पानी और ज़मीन के नीचे जो मिट्टी है या जो भी कुछ है ज़मीन के नीचे सरा उसको एक उंगली पर और तमाम मखलूक़ात को एक उंगली पर रखेगा ये तोड़ेत में लिखा हुआ पाते हैं तो आप उसके कौल की तस्दीक में इस ज़ोर से हंसे कि आपके डार खुल गए आखिरी दाँत जो जबड़े में होता है वो खुल गए उस आलिम की बात की तस्दीक किया आपने वरना आम तरीके से किसी की बात को सुन करके अगर आदमी कहाँ कहाँ लगा दे खूब ज़ोर से हंस दे तो आम तरीक़े से लोग समझता है कि उस बात का इनकार किया इनकार के लिए हंसता है लेकिन आप इस कदर ज़ोर से हंसे कि आपके डाढ़ खुल गए ये उस आलिम की कौल की तस्दीक किया सुब मा और फिर आपने आयत करीमा की तिलावत की जो आपने सुनी वमा क़दर अल्लाह हक का कदरे उन लोगों ने यानी मुशरकिन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम और मरतबे को नहीं पहचाना जैसा पहचानने का हक़ है अगर वो अल्लाह के मकाम और मरतबे को पहचानते उसकी अज़मत का इधराक और एहसास करते तो अल्लाह ताला की बंदगी में किसी को शरीक न करते काश के उनको अल्लाह की अज़मत का ये एहसास होता वमा क़दर हक हाँ का क़द्रे और अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत क्या है अजीम अजमत और कुदरत का जिक्र फरमाया कुरान में वलअो ज़मीन अनकब्ज़ा तो हुई यमलयाम पूरी रुव ज़मीन अल्लाह की मठी होगी क़ियामत के दिन पूरी रुव ज़मीन अल्लाह की मुठ्ठी होगी कब्ज़ा मुठ्ठी होगी मुठ्ठी में नहीं अगर कोई ये कहे कि ये पूरा शहर मेरी मुट्ठी में है तो इसका मतलब है कि मैं उसका मालिक हूँ ये माना नहीं है ये झांसा देना है पूरी रुए ज़मीन मुट्ठी में होगी मुट्ठी का मतलब मिल्कियत नहीं मिल्कियत तो है आज भी है क़यामत के दिन पूरी रुए ज़मीन अल्लाह की मठियों की कब्ज़ा हो होगी कब्ज़ा कब्ज़ा कहते हैं मायूक बिलियत हाथ से जिस चीज़ को पकड़ा जाए अल्लाह की मुट्ठी होगी पूरी रुए ज़मीन वह समावा तो मतविया तुम बेयमी नहीं और सातव आसमान मतवियातु लपेट दिए गए होंगे लपेटे हुए होंगे बेयमी नहीं अल्लाह के दाहिने हाथ में सारे आसमान तमाम आसमानों को अल्लाह ने अपने दाये हाथ में लपेट रखा होगा और ज़मीन उसकी मुट्ठी होगी सुबहाना हुआ था आला आम अल्लाह हर आए नक़ से पाक है और शिर करने वालों के शिरक से बहुत बुलंद है या सही मुस्लिम की एक रवायत है कि अल्लाह ताला पहाड़ों को और दरख्तों को एक उंगली पर उठाएगा और फिर उन्हें हिलाएगा झिंझोड़ेगा और कहेगा अनल मलिक अनलमलिकल्ला मैं ही बादशाह हूँ मैं ही अल्लाह वो सही बुखारी में रवायत है कि अल्लाह ताला एक उंगली पर आसमान को लेगा दूसरी उंगली पर पानी और सरा को मिट्टी को यानि ज़मीन को लेगा और एक उंगली पर तमाम मखलूक़ को लेगा इबन मसूद रजी अल्लाह की हदीस सही इनकी और एक रवायत उन्हीं की मुस्लिम के हवाले से एक रवायत बुखारी के हवाले से आपने सुना इसमें अल्ला अरबूआमी के लिए उंगलियाँ बित की गई और कुरान मजीद की यह आयत सुरुन आयत नंबर सड़सठ इसमें अल्ला रब्मीन का दाया हथ हाँ सबित किया गया हमिन हम हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अब इस बात का इकरार करें ईमान और यकीन की हद तक ये बात माने हर शख़्स से पाक होकर बुलंद होकर ऊपर उठ कर ये अल्ला रबालमीन के लिए हाथ है और अल्लाह रबालमी के पास उंगलियाँ भी हैं यद का जाना है उंगली का जो माना है हकीीक़ी माना वही माना मुरादरें कोई तावील ना करें कोई तहरीफ ना करें और अल्लाह के हाथ को और उसकी उंगली को किसी मखलूक़ की उंगली और हाथ से मुशावे ना करें अगर आप मुशावे से बच जाएंगे तो बहुत बड़े फितने से बच जाएंगे नक्स और ऐब वहाँ लाजिम आता है जब आदमी अल्लाह की सिफात को बंदूक की सिफात के मुशाे करार देता है अल्लाह के लिए कोई मिसाल देता है जैसे मुश्बा फ़िरक़ा जो अल्लाह को मखलूक़ के मुशारे कर डालता है और इसी तशबी से बचने के लिए कुछ लोगों ने अल्लाह की सिफतों का इनकार कर दिया हालांकि जब अल्लाह के पास ज़ात है अल्लाह की ज़ात को वो भी मानते हैं अल्लाह की ज़ात दूसरी ज़ातों के मुशावे नहीं है तो अल्लाह की सिफात दूसरी मखलूक के मुशावे क्यों होगी अगर हम ये साबित करें ये अकीदा रखे कि अल्लाह के पास उंगली है जैसी उसकी शान को जेब देता है अल्लाह के लिए हाथ है जैसा कि उसकी शान को जेब देता है इनकार पहले करो मिसलियत का लई ही शही उसके मिसल कोई नहीं है उसके बाद साबित करो कि वो समी है वो बसीर है करो। पहले नफ़ी करो लई सकमसी मिसलीत की मुशाबहत की नफ़ी करो और उसके बाद सबित करो अर्रहमानो अल्लारशिद सवा अल अरशिद सवा लई समस रही शही पहले कहो अल्लाह के मिस्र कोई भी नहीं फिर बोलो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है बुलंद है तो सवाल ही नहीं होगा कि कैसे बुलंद है कैसे कैसे बताएंगे जब उसके मिसल कोई नहीं है तो कैसे बताएंगे तो इमाम राजी जो मुतजला के इमाम थे बाद में अल्लाह ने उनको हिदायत दी और सलफ़ी मनहज पर आए अकीदे के बाद में तो उन्होंने ये कहा कि सही बात यही है जो सलफ़ का तरीक़ा है कि मिलियत की नफ़ी करो कि अल्लाह के मिसल कोई नहीं है और उसके लिए सिफत को साबित करो अगर आप कुरान हदीस पर ईमान रखते हैं और सलफ़ साल साहबा और तबइयन के तरीक़े के मुताबिक आप कुरान हजीस को समझते हैं और अल्लाह की सिफ़ात को उसी तरीके पर समझते हैं जिस तरीके पर नबी सौ औरबे क्राम ने समझा कि आपने कभी अल्लाह की सिफ़त की कोई मिसाल नहीं बयान की और साहब कराम में से भी किसी ने कभी ये सवाल नहीं किया कि रफ्तः की उंगली कैसी है रफ्त उतरता कैसा है चरता कैसे है अल्लाह का हाथ कैसा है अल्लाह के आँख कैसे या अल्ला के नबी ने ना बयान किया और न कभी किसी साहबी ने आपसे ये पूछा जब भी आप अल्लाह रबून के सिफात को बयान करते थे आयात सिफात तिलत करते थे या सिफात बयान करते थे तो अल्लाह के नबी व का सीना अल्लाह की अज़मत अल्ला से भरा हुआ होता था और साहब कराम भी अल्लाह रब्लम की अज़मत पर डूब जाते थे अल्लाह अकबर किस अज़ीम हस्ती का जिक्र हो रहा है कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि अल्लाह की सिफत कैसी है कभी पूछा भी नहीं कसम अल्लाह की अगर ये नफ़ा बख्श इल्म होता तो अल्लाह ज़रूर कैफ़त काल देता और नबी वसम बताते या अल्ला रब्लम किसी बंदे को ही ये तोफ़ी देता साहबी में से किसी को कि वो सवाल कर ले किसी एक सिफत के मुतल भी लेकिन पूरी शरीय खंगाल देंगे आप किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी अल्लाह की किसी सिफत की कैफियत के मुतल सवाल नहीं किया अगर ये अकीदा हो जाए बात ठीक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उंगलियाँ हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हाथ हैं अभी कुरान की आपने एक आयत समात की सूरह ज़ुमर की आयत इसके बाद मुस्लिम शरीफ़ की एक दूसरी हदीस इस बाब में आई है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह से कि हज़रत उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह आलमीन यतवी कियामा व यजअलुहुन रबालमिन यदविसमल़िया विलयम इलाखिलहदीस सातों आसमान को अल्लाह आलमीन लपेटेगा और उसको अपने दाहिने हाथ मिलेगा और अल्लाह आलमीन सातों ज़मीन को सातों जमीन को हदीस में तो कसरत से आया कि ज़मीन सात है कुरान मजीद में सूरह तलाक की आयत नंबर बारह में है अल्लाजी ख़ल का सब आसमिन वर्द मिसल अल्लाह ने सात आसमान बनाए और सात आसमान जैसे ही ज़मीन बनाई सबा सबा बात नहीं कहा का। आसमान के मिसल अल्लाह ने जमीन भी बनाई तो सात जमीन भी सूरत नंबर बारह में कई हदीसों में आया कि सात तबक जमीन है तो सातों तबक जमीन को अल्लाह आलमीन बाएं हाथ मिलेगा मालूम हुआ कि अल्लाह के दो हाथ है और इस हदीस से जो सही मुस्लिम की है एक हाथ दाया है और एक हाथ बाया है सही मुस्लिम के अंदर ही हजरत अब्दुल्लामर बिन अमर बिन आस रजील से हदीस है कि रभी फरमाया ने किल्ता यह दई है यमीन अल्लाह के दोनों हाथ दाएँ हैं तो अगर कन्फ्यूजन आए कि एक हदीस में है कि दोनों हाथ दाएँ हैं और इस हदीस में कि दाया और बाया है दाएँ हाथ में अल्लाह आसमान को लपेट कर ले लेगा और बाएँ हाथ में पूरी ज़मीन को लपेट लेगा तो इसका क्या जवाब देंगे जवाब ये देंगे इन शाल ने जवाब दिया है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाएँ हैं यानी दोनों हाथ की क़ोत तो बड़ा बढ़े और दोनों हाथ बरकत में खैर व बरकत में अताओ बखश्श में एक जैसे हैं बरखिलाफ़ इंसानों के इंसानों के एक हाथ में ज़्यादा ताकत होती है और दूसरे हाथ में कम ताकत होती है जो राइट हैंडड होता है उसके लेफ्ट हैंड के अंदर ताकत कम होती है और जो लेफ़्ट होता है काम बाएं हाथ से करता है और उसी का आदि होता है तो दाएं हाथ में उसकी ताकत कम होती है वो इतना इजीली वो काम नहीं अंजाम दे सकता दाएं हाथ से जितना वो बाएं हाथ से अंजाम देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोनों हाथ दाया है दोनों हाथ एक जैसा है कुत में बरकत में भलाई के अंदर ये माना अगर कर दें तो माशा दे दोनों हाथ दाएँ भी होते हैं कुत में यमन और बरकत में और एक दाया भी होता है एक बाया भी होता है जैसे कि हदीस है ताकि तमाम नसूस के ऊपर अमल हो जाए और उसके बाद रबालमिन फरमाएगा अनलमलिकजरत बिन अब्बास रज़ी अला से रवात है उन्होंने कहा कि सातों तबक जमीन और सातों तबक आसमान अल्लाह की हथेली में ऐसे हैं जैसे कि तुम में से किसी की हथेली में राई का दाना हो राई का दाना इंतहाई छोटा होता है ना किसी चीज़ के सिगर को किसी चीज़ के इतहाई छोटे हिजम को बताना होता है तो कहता है ये चीज़ रई के बराबर है ये बात भी मिसाल के तौर पर तकरी भी दी जा रही है आपकी दिमाग से हमारे दिमाग से बात को करीब करने के लिए वरना हक़ीकत यह है कि अल्लाह रबुआलमी की कुदरत को उसकी अज़मत शान को इंसानी अकलें समझ नहीं सकती इंसानी फहम समझ नहीं सकती उसका अत्या नहीं कर सकती समझाने के लिए बात कही जा रही है कि ऐसे है, समझो कि जैसे तुम्हारे हाथ में एक राई का दाना वैसे ही सातव तबक आसमान और ज़मीन अल्लाह की हथेली में राई के दाने के पिता तो इस हदीस में अल्लाह के लिए हथेली भी साबित हुई माशा तबारकल्ला एक असर इब्न जरि तबरी रहम्ला के हवाले से सायब किताब ने जिक्र किया है वो जैद बिन असम ताबई हैं उन्होंने नवी सा से रवायत की है हदीस मुसल है लेकिन संद में फ़ है एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा वक्फे से कबल हम सही मुस्लिम के हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी की हदीस समात कर रहे थे जो अल्लाह ताली की अज़मत शान पर दर्द करती है कि अल्लाह रबालमी दाएँ हाथ में आसमान और बाएँ हाथ में ज़मीन को लपेट कर कहेगा अनल मलिक मैं ही बादशाह हूँ ऑनल मतखबेजब्ब्ब्ब्ब्बार ओनल मतखबर जब्बारून कहाँ हैं जबर व कहर का मुजाहरा करने वाले किब्र गूर का मुजाहरा करने वाले दुनिया के सलातीन कहाँ हैं वो यानी वहाँ तो सब अमीर गरीब बादशाह रैय सब एक सफ में खड़ा होगा वहाँ तो बादशाह सिर्फ़ अल्लाह की होगी अनल मलिक मैं ही बादशाह हूँ कहाँ गए दुनिया के बादशाह जो जबर व कहर धमा चौकड़ी में थे और ताकत और इतदार का गलत फ़ायदा उठाते थे कहाँ गए वो तो ये खदी आपके सामने है कि अल्लाह के दाएँ और माँ हथासीबिन अब्बास रजी अल्लाव से रवायत है उन्होंने कहा कि सातों तबक ज़मीन और सातों तबक़ आसमान अल्लाह की हथेली में ऐसे हैं जैसे कि तुम में से किसी की हथेली में राई का दाना हो रई का दाना इंतहाई छोटा होता है ना किसी चीज़ के सिगर को किसी चीज़ के इतहाई छोटे हिजम को बताना होता है तो कहते हैं ये चीज़ रई के बराबर है ये बात भी मिसाल के तौर पर तकरीबी दी जा रही है आपके दिमाग से हमारे दिमाग से बात को करीब करने के लिए वरना हक़ीकत यह है कि अल्लाह रबुलआलम की कुदरत को उसकी अज़मत शान को इंसानी अखिल समझ नहीं सकती इंसानी फहम समझ नहीं सकती उसका इहाता नहीं कर सकती समझाने के लिए बात कही जा रही है कि ऐसे है, समझो कि जैसे तुम्हारे हाथ में एक रई का दाना वैसे ही सातव तबक़ आसमान और ज़मीन अल्लाह की हथेली में राई के दाने के पिता तो इस हदीस में अल्लाह के लिए हथेली भी साबित हुई माशा तबारकल्ला एक असर इब्न जरि तबरी रहम्ला के हवाले से सायब किताब ने जिक्र किया है वो ज़ैद बिन असलम ताबे हैं उन्होंने नवी सा से रवायत की है हदीस मुर्सल है लेकिन संद में ओफ़ है कि अल्लाह ताली की कुर्सी के सामने सातों आसमान ऐसे हैं जैसे कि ढाल में एक ढाल होता है जो तलवार के वार से बचने के लिए जंगजू अपने हाथ में लगाता है जिस पर वार को रोकता है तो सात दिन हम सात दिन हम सिक्का होता है ना रुपये का एक सिक्का हमारे यहाँ छोटा सिक्का चला है भी एक रुपये का उस तरह का दिर हम सात दिरहम जो ढाल होता है उसके अंदर सात जगह डाल दीजिए टांग दीजिए क्या हैसियत है, है? सात सिक्के की लंबे चौड़े ढाल के अंदर जिसको आदमी लेता है और उससे तलवार के वार को रोकता है लेकिन इसकी सनत ज़यीफ़ और हजरत अबूजर रिफारी रजी आन से रवायत है कि अरश इलाही के मुकाबले में लाहु अल्ला अकबर अल्लाह अकबर लाहबर इलाही के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे कि चट सहरा के अंदर कोई लोहे का एक राउंड शेप घेरा एक घेरा दायरा नुमा एक राउंड शेप चीज लोहे की किसी चटकेल मैदान में उछल दिया फेंक दिया जाए टूटता रह जाए आदमी और किसी को कहिए कि इसमें एक छल्ला रखा हुआ है लोहे का एक कड़ा फेंक दिया गया है इसको तलाश है। लको दख सहरा के अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह की कुर्सी की अजमत अल्लाह ने बताया वैसे आसी यू समावाते वाला अल्लाह की कुर्सी आसमान और ज़मीन को अपने इहाते में लिए हुई है यानी पूरी कायनात आसमान और ज़मीन कुर्सी के नीचे है कुर्सी उसको घेरे में लिए हुई है और कुर्सी की हैसियत इलाही के मुकाबले में उस एक छल्ले की है जो सहरा के अंदर फेंक दिया जाए लको दख सहरा के अंदर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने से एक कौल है कि कुर्सी अल्लाह आलमीन के कदम की जगह है और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है देखिए अल्लाह आलमीन की अज़मत देखिए उसकी मखलूक़ात की अजमत देखिए किस तरीक़े से अल्लाह आलमीन ने अपने सिफ़ात के बयान करके और अपनी मखलूक़ात के अजायबात को बयान करके अपने मक़ाम और मरतबे को वाज़े किया है अल्लाह ने अपना तारुफ़ कराया है अपने बंदों से कि उसकी अज़मत को महसूस करो और अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात की अज़मत को बयान की है हदीस है इबन मसूद रजी अल्लाह से कि एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान के दरमियान की दूरी पाँच सौ साल है बाज़ रवायत में है सत्तर साल है चाल चाल पर होता है काफ़िले की चाल होती है एक डाटिया चलता है जो तेज़ चलता है अब इस वक्त अगर राकेट का ज़माना है हवाई जहाज़ का ज़माना है बहुत तेज़ रफ़्तार गाड़ी सवारी है तो वह अगर आसमान पर जाती है तो उसके हिसाब से एक बात हो जाएगी जो चीज़ हकीकत है अगर कोई प्लेन जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है वो इतने दिन में पहुँचा और इतना लाख किलोमीटर है तो मानेंगे हम उसको लेकिन हदीस में है पाँच सौ साल तो सैर और रफ्तार के अतबार से हो सकता है यहाँ से अगर हम अंधेरी जाते हैं पैदल जाते हैं मिसाल के तौर तो पर दो घंटा लगता है आप साइकिल से जाते हैं तो आपका एक घंटा लगता है कोई और तेज़ रफ्तार गाड़ी से जाता है तो उसको बीस मिनट लगता है कोई अगर फ्लाइट से जाए ट्रेन से जाए या हेलीकॉप्टर से जाए तो उसको तीन मिनट लगता है है मसाफत तो अगर किसी ने कहा गह गह कि दो घंटे की मसाफत है और किसी ने कहा कि एक घंटे की और किसी ने कहा आध घंटे की और किसी कहा दो मिनट की है सवारी के हिसाब से होगा ये बात इसलिए कहा कि बाद रवायत में आएगा तो कोई कन्फ्यूज़ कर सकता है तो कहा पाँच साल निचले आसमान से लेकर ज़मीन आसमान की दूरी पाँच साल एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान की दूरी पाँच साल इस तरीके से सातों आसमान के दरमियान की दूरी हो गई और आसमान के ऊपर अल्लाह तला की कुर्सी उसकी दूरी 500 साल उसके ऊपर एक समंदर उसके निचले तह और ऊपरी सतह के अंदर 500 साल उसके ऊपर अल्लाह का अर्श अर्श के ऊपर अल्लाह रब्लम यानी अर्श के ऊपर कुछ भी नहीं सिवाय अल्लाह के कोई मखलूक नहीं इसे ये नहीं कह सकते कि अर्श ने घेर रखा है अल्लाह को अल्लाह को कोई चीज़ इतना नहीं कर सकती जहाँ कुछ नहीं वहाँ अल्लाह अर्श के ऊपर अर्श अल्लाह की सबसे ऊँची मखलूक और उसके ऊपर अर्श का खालिक अल्लाह अल्ला आलमीन और वहाँ से तुम सब की मुतल जानता है अर्श पर है उसकी ज़ात लेकिन कायनात का एक एक ज़र्रा उसकी निगाहों में है एक एक शख्स की बात चाहे वो दिल में बात कर रहा हो अल्लाह तला उसको सुन रहा है उसके इल्म से कोई बाहर नहीं तो ज़ात उसकी अर्श पर है ज़ात नीचे नहीं आती लेकिन इल्म से वो हर जगह मौजूद है लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है अपनी ज़ात से नहीं ज़ात तो उसकी अर्श पर है इसके नीचे दूसरी रवायत आई है वो रवायत है नबी सा के शीशा अब्बास बिन मतली से अबू उदाऊ की रवायत है नबी साम ने पूछा साहब कराम से जानते हो आसमान और ज़मीन की दूरी क्या है लोगों ने कहा रसूल आलम अल्लाह रसूल ज़्यादा जानते हैं कहा आसमान ज़मीन की दूरी पाँच सौ साल एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी पाँच सौ साल और मोटापा भी आसमान का पाँच सौ साल की मुसाफत सात आसमान के ऊपर कुर्सी कुर्सी के ऊपर समंदर समंदर के ऊपर अरश इलाही अर्शी के ऊपर रब्बालमी ये हदीस और इनके अलावा जो हदीसें हैं उन तमाम हदीसों से अल्लाह रबालम की उलुअ शान उसकी असमत शान उसकी उलू मरतबत उसका रब होना मालिक होना माबूद होना और सबसे आज़म होना साबित है कि अल्लाह को जब उसकी ये मखलूक़ ऐसी ऐसी अजीम हैं तो अल्लाज़ीम कितना बड़ा अजीम होगा यह असमत है साहब कराम ने नबी वसम के ज़बान मबालक से इन कलेम को सुना और आमन्ना व सद्दकना कहा किसी ने अकली इस्ते नहीं पेश किया कि ऐसा क्यों कर मुमकिन है कैसे हो सकता है हमारी अकल में ये बात नहीं आती है सदक ना किया और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया वकफ़े से कबल कि किसी एक सहाबी ने भी कभी सिफ़ात के मुतालिक, की अजमत के तल्ल से कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे ईमान पर हलफाए आमन्ना और सद्दकना किया जिन लोगों ने फलसफा पढ़ा इम कलाम पढ़ा मनतिक पढ़ा और उसमें शैतान उनका मौलम रहा उन्होंने अल्ला रब्लम की अजमत का इनकार कर दिया सबसे पहला शख्स जादबिन दिरहम था जिसने अल्लाह रब्लम के अर्श पर मुस्तवी होने का इनकार कर और कहा कि वो अर्श का मोहताज हो जाएगा और अर्श उसको घेरे में ले लेगा नौजुबिल्ला अर्श और अर्श के ऊपर अल्लाह रब्लम है तो अर्श तो नीचे अल्लाह ऊपर है और बान मिन खल कही अपनी मखलूक से अलग है अर्श पर बुलंद है और अर्श से लगा हुआ भी नहीं है तो कैसे अर्श का वो मोहताज हो जाएगा और अर्श उसको घेरे में ले होगा चुनानचे अर्श अ पर अल्ला के मुस्तवी और बुलंद होने का उसने इनकार किया और उससे यह आकीदा उसके शागिरद जहाँ बिन सफवान ने लिया और इस तरीके से ये आकीदा बढ़ा ये ताबी का आखिरी दौर था चुनाचे उस वक्त के ज़बरदस्त नोटिस ली इमाम ओजाई ने इमाम वनीफ़ ने, इमाम मालिक रमतल ने इसी तरीक़े से लेस बिन साद मिसरी ने हम्माद बिन सलमा ने हम्माद बिन जैद ने सुफियान शौरी ने और दलीलों की रोशनी में और ख़ुद अकली दलीलों की रोशनी में भी उससे बहस किया और उसके नजरिए को कंडम किया और अलहमदिल्ला इस तरीक़े से अदूमत के सामने है पहले सुनत वजामात का इतफ़ाक़ है कि अल्ला रबालमीन अर्श पर मुस्तवी है उसकी अर्श पर बुलंद है अर्श पर बुलंद है यह अहर सनत वजामात का मुत फैसला कुरानी आयत की और हदीस की रोशनी में सौ से ज़ायद इस इमाम इंदुम रहा ने अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने के तल्लु से लिखा है सौ से ज्याद इस ख़ुद कुरान मजीद में अर्रहण और अरश् सवा के तल्ल से कि अर्रहमान अर्श पर मतवी है कुर मजीद में कुल सात मकाम पर ये चीज़ें आई हुई है और उसके अलावा इस्तलाल है अल्लान को आसमान से उतरता है ऊपर से फ़ैसले उतारता है तो जो चीज़ उतरती है वो ऊपर से नीचे को उतरती है इस तरीके से आयात और अदीस की रोशनी में सौ से ज़ायद उन्होंने इस्तेदाल इस पेश किया तो आमन्ना सदकना हमको करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के केफात पर ईमान रखना चाहिए उसी तरीके पर जिस तरीक़े पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान रखा जिस तरीक़े पर सलफ़ उम्मत अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते थे हम सब लोगों को अल्लाह ताला की सफ़ात पर ईमान रखना चाहिए इसी उसूल पर जो अल्लाह ने फरमाया है ले सकम ही शय वह व समील बसीर अल्लाह के मिसल कोई नहीं है और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और देखने वाला है यानि मिसलीत की नफी और अल्लाह ताला के सिफात का इतबात अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर किताब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से अल्लाह की खास तइद और तोफ़ी और नुसरत से मुकमल हुई अल्लाह रबालमिन हम सबको तोहद पर कायम रखे तोहद के ताज़ों को पूरा करने की तोफ़ीक़त फरमाए शिर की जुमला किस्मों से महफूज रखे और अल्लाह रब्लम हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए और तोहद के इंदरूस को अलाबालमीन हम सब के लिए जुमला सामीन और नाजरन के लिए मुफ़ी बनाए और किताब तोहद के मौलफ माम मोहम्मद वहाब तमीम रहमत लिताब के शारहन को और इस किताब को पीस टी वी के जरिए पेश करने वाले तमाम आई आर एफ और पीस टी वी के ज़िम्मेदारों को खासकर इज़्ज़त माप जनाब डॉक्टर जाकिर नायब साहब को और इन्होंने बहुत मेहनत से इसको शूट किया और उन्मदगी के साथ पेश करने की कोशिश की जनाब भाई फरीदी साहब को और जुम अखवान को और आप तमाम हाजरीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए ख़ैर दे और आपके नामा आमाल में नेकी के नामा आमाल में अल्लाह ताला इन दरूस को रखे आपकी मेहनतों को रखे अल्लज़ी अलहमदल अल्लाजिबिन ततिमसाहात व नबी महमद वाल आ सहब ही व यौमिद्दीन السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله